Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. कई दिनों से लगातार शिकायतें बन रही थी. सरकार की तरफ से लॉकडाउन करने के पश्चात भी शराब के ठेके सभी बंद थे, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग सासी बस्ती के अंदर शराब लेके आते हैं. लगातार मुखबिर भी मामूर किए गए थे, लेकिन पैटर्न सूचना नहीं मिल पा रही थी. कल सायंकालीन को भी सूचना मिली थी जिस पर कुछ शराब पकड़ी गई, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि माल किसका है किसकी है. इस कारण से कल कार्रवाई नहीं की जा सकी. आज पुनः सूचना मिली जिस पर तलाशी ली गई, बस्ती में रेड की गई, तो महेंद्र पुत्र पाबू जाति सासी निवासी सासी बस्ती भगवानगंज अजमेर 100 देसी शराब के पौधे के साथ गिरफ्तार किया गया. श्रीमान सीओ साहब द्वारा और श्रीमान एसएचओ साहब द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए. उनके निर्देशन के अनुसार ही आज उस निगरानी की पालना करते हुए बस्ती के अंदर रेड की गई थी, और रेड के दौरान हमें महेंद्र सासी शराब की पौधे बेचता हुआ पाया गया. अब ये शराब की पौधे कहाँ से किस ठेके से खरीद के लाया था, कहीं बाहर से लाना बता रहा है. और इससे पूछताछ से जानकारी में ऐसा है कि शराब की और भी पेटियाँ बस्ती के अंदर कंजर बस्ती के अंदर आई हुई हैं, जिनका सर्च अभियान जारी है. सीए साहब द्वारा अलग से पृथक से कार्रवाई की जा रही है, उनके पास भी कोई सूचना है. जो एसएचओ साहब द्वारा अलग कार्रवाई की जा रही है. हमने आज पाबू को, इस महेंद्र पुत्र पाबू को गिरफ्तार किया है, जिसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा. ये व्यक्ति आदतन शराब तस्कर है, जिसके पूर्व में भी शराब तस्कर के मामले हैं. बस्ती के अंदर पूर्ण निगरानी के प्रयास किए जा रहे हैं. बंद की ड्यूटी, लॉकडाउन की ड्यूटी के अलावा बस्ती में जाने में, सूचनाएं मिलने में थोड़ी असमर्थता हो रही है, लेकिन लगातार प्रयास जारी है कि कोई अवैध शराब का निर्यात आयात नहीं हो, किसी लोगों को शराब शराब नहीं पिलाई जाए. बंद है तो बंद का मतलब बंद ही रहे. आपका नाम सर? आपका मुकेश जी की ना कार भैया, नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन. देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं. इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे. खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें. इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें. अपनी आँख, नाक और मुँह को हाथ से न छुएं आप. अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं. भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें. अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें. अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6. अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए.